नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को 3-1 से टेस्ट क्रिकेट में हराने के बाद अब बारी है 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज की। टी20 सीरीज का आगाज 12 मार्च से होने जा रहा है और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें कई शानदार खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं टीम इंडिया में और कौन कौन से खिलाड़ियों की यहाँ पर इस टी20 सीरीज में वापसी हुई है, यानी कि पूरी स्क्वाड और पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा ICC कि टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के कमाल के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और पूरी स्क्वाड जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबलों की तरह ही यहाँ पर टी20 मुकाबलों में भी जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है हमने मात्र 1000 लाइक, तो इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज का आगाज 12 मार्च से होने जा रहा है। इस सीरीज के सभी मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां पर टीम इंडिया ने इस टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे और एक बार फिर यहां पर टी20 में भी इसी कारनामे को दोहराना चाहेंगे, क्योंकि ये मैदान ही एक दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है और यहाँ पर टीम इंडिया को सबसे बड़े रिकॉर्ड बनाने की आदत हो चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया ने यहाँ पर शानदार आगाज कर चुके हैं 2 टेस्ट मुकाबले जीतकर। तो साथ ही दोस्तों, टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। भारत की तरफ से कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे स्क्वाड। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम ICC टेस्ट रैंकिंग के बारे में कि भारतीय टीम ने आखिरकार रैंकिंग में किस तरह से कमाल किया इस सीरीज को जीतकर। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-1 से सीरीज में हराया और इस जीत के साथ ही जहां एक तरफ ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम ने अपनी जगह पक्की की, तो साथ ही ICC टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भी टीम इंडिया नंबर 1 बन गई। लेकिन इसके अलावा टीम इंडिया को इस सीरीज जीत के साथ ही एक और बड़ा तोहफा भी मिला। ये तोहफा है ICC टेस्ट रैंकिंग का, जहां पर टीम इंडिया एक बार फिर वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन चुकी है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने दूसरी बार ये कारनामा किया है, जहां पर टीम इंडिया एक बार फिर नंबर 1 टीम बन चुकी है टेस्ट में। इससे पहले दोस्तों बता दें, इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम थी, लेकिन भारतीय टीम की इस 3-1 से शानदार जीत के साथ ही अब न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय टीम नंबर 1 बन चुकी है। हम टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो इसमें टीम इंडिया 122 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है 118 रेटिंग के साथ, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 113 रैंकिंग के साथ, तो चौथे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है 105 रेटिंग के साथ, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, तो छठे नंबर पर साउथ अफ्रीका, सातवें नंबर पर श्रीलंका, आठवें नंबर पर वेस्ट इंडीज, नौवें नंबर पर अफगानिस्तान और दसवें नंबर पर बांग्लादेश है। लेकिन इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन चुकी है टीम इंडिया, जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में रौंदा, तो इसके बाद इंग्लैंड को अपने ही घर में रौंदने का कारनामा करके एक बार फिर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। और इसी शानदार परफॉर्मेंस के चलते टीम इंडिया यहाँ पर एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी है। वहीं पर दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टी20 सीरीज में भारतीय टीम की स्क्वाड क्या है और साथ ही क्या रहने वाली है पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इस टी20 सीरीज के सभी मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने हैं। इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा, तो दूसरा 14 मार्च को, तीसरा 16 मार्च को, तो चौथा मुकाबला 18 मार्च को और पांचवा मुकाबला 20 मार्च को खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे और इन मुकाबलों को आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्क्वाड के बारे में, तो टीम इंडिया की स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। हम बात करें यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों की, तो विराट कोहली इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पर रोहित शर्मा उप कप्तान होंगे। इसके अलावा हमें दिखेंगे यहाँ पर शिखर धवन, तो साथ ही सुरेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव इस टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज होने वाले हैं। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करें तो टीम के पास 4 शानदार ऑलराउंडर रहने वाले हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवटिया और अक्षर पटेल शामिल है। वहीं पर टीम के पास 3 बेहतरीन विकेट कीपर भी है, जो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इनमें नाम आता है KL राहुल का, ऋषभ पंत और ईशान किशन का, यानी कि तीनों खिलाड़ी काफ़ी शानदार हैं। वहीं पर गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। बात करें स्पिन गेंदबाजी की, तो युजवेंद्र चहल,
वरुण चक्रवर्ती शामिल है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों की बात करें तो टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी और सरदोल ठाकुर शामिल है। यहाँ पर भुवी को हम काफ़ी दिनों के बाद खेलते हुए देखेंगे, तो रोहित शर्मा को भी यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद हम भारतीय जर्सी में T20 क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई T20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे, यानी कि उनकी भी वापसी होने वाली है। इसके अलावा तीन युवा खिलाड़ियों की बात करें हम जिन्हें यहाँ पर मौका मिला है, तो इसमें यहाँ पर राहुल तेवतिया आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं और साथ ही साथ ईशान किशन आते हैं, जिनसे यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है टीम के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अक्षर पटेल की, जिन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो भी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं, यानी कि कई खिलाड़ियों के पास बेहतरीन मौका है। इसके अलावा हम आप टीम में खेलते हुए देखेंगे हार्दिक पांड्या को, जो कि टेस्ट सीरीज में हमें खेलते हुए नहीं दिखे थे क्योंकि उनका टीम में जगह नहीं बनी थी, और साथ ही साथ KL राहुल की भी, तो अब हमें ये खिलाड़ी एक बार फिर खेलते हुए दिखेंगे। अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया की पहले इस T20 मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 रहने वाले हैं, कौन से वो 11 खिलाड़ी है जो भारत की टीम की तरफ से मैदान पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम बता दें आपको इंग्लैंड टीम का स्क्वाड, तो इंग्लैंड की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे इयान मॉर्गन, तो साथ ही साथ लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मेलन और जेसन रॉय इस टीम के बल्लेबाज रहने वाले हैं। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करें तो मोइन अली, बेन स्टोक्स, सैम करन और टॉम करन शामिल है। वहीं पर विकेटकीपर के तौर पर इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेरिस्टो, सैम बिलिंग्स और जोस बटलर शामिल है। तो वहीं पर गेंदबाजी में टीम की तरफ से जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, ऋषि टोपले और साथ ही साथ मार्क वुड शामिल है, यानी कि इस टीम के पास भी एक से बढ़कर एक यहाँ पर T20 बल्लेबाज मौजूद है। वहीं पर अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, कि आखिरकार पहले T20 मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी टीम की तरफ से उतर रहे हैं। तो हम बात करें सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की, तो यहाँ पर टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और उनके साथ होंगे शिखर धवन, यानी कि दो दिग्गज बल्लेबाज भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए दिखेंगे इस सीरीज में। इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पर नंबर 4 पर KL राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे श्रेयस अय्यर, तो नंबर 6 पर हमें दिखने वाले हैं हार्दिक पांड्या, साथ ही साथ नंबर 7 पर दिखेंगे ऋषभ पंत। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों की, यानी कि नंबर 8 की, तो यहां पर हमें दिखने वाले हैं यजुवेंद्र चहल। तो नंबर 9 पर हमें एक और स्पिनर के तौर पर यहां पर दिख सकते हैं राहुल तेवतिया। वहीं पर इसके बाद नंबर 10 पर दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, तो नंबर 11 पर टी नटराजन दिखने वाले हैं, यानी कि भारतीय टीम दो स्पिन गेंदबाज और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर टीम के पास हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन अगर टीम इंडिया ऐसा ना करके 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी, तो फिर यहाँ पर टीम में जगह बनती हुई नहीं दिखेगी हमें ऋषभ पंत की, और उनकी जगह पर यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे हमें अक्षर पटेल, यानी कि एक और एक्स्ट्रा गेंदबाज के तौर पर टीम के लिए यहाँ पर अक्षर पटेल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अक्षर पटेल T20 में बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं कई बार, तो वो यहाँ पर एक बल्लेबाज की भूमिका या फिर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि टीम इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरना चाहिए या फिर 5? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।